सारे कार्यक्रम भी बाहर आ गए। भाई बाजो का बाजो तो दो मिनट बाजो या भाई आले आले मागे सर मागे सर का मागे सर का सगळे लोक आई वाले थोड़ा पीछे सर के मीडिया वाले अपने पीछे सर मागे 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 बस कैमरा लुक मैम सर सर इधर मासूम भाई आप रही हाँ थोड़ा और पीछे सर को सर प्रकाश ले ले फोटो और मैं कुछ हमारे जो है होर्डिंग है मैं चाहूंगा कि उन्हें मैं सम्मानित करें हम लोग तो सबसे पहले स्वागत करें अली खान साहब का हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री के एक और महान अभिनेता मुस्ताक खान जोरदार तालियां बजती हैं जो बाहर हैं उनको प्लीज बुला लें और स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा करते हुए इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड हम दे रहे हैं आदरणीय मुस्ताक खान जी को सर इधर सामने कैमरा लुक हमारे बीच में फिल्म एक्ट्रेस जी साहब के साथ गाया था जो फिल्म 4 जुलाई को 1980 में रिलीज हुई थी फिल्म का नाम था 1920 और उसमें रफी साहब के साथ पहला गाना गाया इतनी दुआएं थी उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया उन्होंने कि बोला मुझे पता नहीं था लेकिन 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह का हुक्म होगा कि रफी साहब जैसे फनकार तो कोई बन नहीं सकते 7 जन्म में भी नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है कि वहां से मतलब आवाहन हुआ होगा कि रफी साहब आप इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए दुआएं दे दीजिए ताकि थोड़ा बहुत आपके कदमों पे चल पाए कृष्णा बिंद्रे जी सर आप स्टेज पर आ जाए प्लीज ऐसी है कि मुझे लगता है कि 20-25 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारी दोस्ती तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है उनका तो वो एक फोन करते हैं हम लोग दौड़े दौड़े आते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो जो सोशल सम्मान कर रहे हैं इंटरनेशनल गोल्डन पीस अवार्ड से हमारे बीच में एक और ऐसे अभिनेता है अली साहब और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ गुड इवनिंग सलाम अलैकुम बहुत खुशी हो रही है कि कैलाश मासूम जी इतने सालों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल हमारे बीच अली भाई हमारे सेंटर देखे सब लोग लेकिन जो कार्यक्रम हुआ है जो अवार्ड मुझे उन्होंने दिया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ
अवार्ड आज दिया गया है, मुझे भी दिया है। मैं कैलाश मासूम और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अठावले साहब शायद आने में देर हो गई उनको, अभी आएंगे वो, और तब तक हम लोगों ने कोशिश किया लोगों को इंटरटेन करने की, भी कुछ गाने भी सुनाए, कुछ अभी कॉमेडी भी होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग दुआ करिए, 45 साल कंप्लीट किया हूँ बॉलीवुड में इसी जुलाई में, 4 जुलाई को पहली फिल्म रिलीज हुई थी 19-20, रफ़ी साहब के साथ पहला गाना था। आज मतलब उस वक्त से लेकर आज तक 45 साल बिताए हमने, और थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस के हमें पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा, प्यार दिया, और आज तक आपका उदित नारायण गा रहा है। आप दुआ करिए कि ये सिलसिला कयामत से कयामत तक चलता रहे। 45 सालों की बात करें तो कोई यादें आपको शेयर करना चाहिए? बहुत सारी यादें, अगर बोलना शुरू करूंगा तो ये 5 मिनट में नहीं खत्म होगा, उसके लिए अपन इंटरव्यू करेंगे। अपने मोहम्मद रफ़ी साहब को भी याद किया अपने स्पीच में, क्या कहना चाहेंगे? रफ़ी साहब के साथ पहला गाना मैंने मुझे मिला था, मतलब रफ़ी साहब का फैन कौन नहीं होगा, तो मैं भी बचपन से गांव में रेडियो में सुना करता था रफ़ी साहब को, और उनके गाने को सुन सुन के मैं दिमाग में सोचता था कि कभी मैं भी रेडियो के अंदर में बैठ के गाऊं। छोटा था ना, अच्छा छोटा था, लेकिन ऊपर वाले सुन रहे होंगे, बोले कि तुम किसान के बेटे हो लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देंगे। तो हमने काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया, और ईमानदारी रखी, धैर्य रखा, और आज तक भी 45 साल से लोगों को उतना ही गाने हम सुनाए हैं, और लोगों से उतना ही प्यार और दुआएं हमें मिले हैं, और ये सिलसिला आप दुआ करो कि चलता रहे। आपको छोड़ दें, वेरी 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 हैप्पी टुडे बिकॉज आई गॉट दिस पतंजलि अवार्ड, एंड आई थैंक्स टू किशोर मासूम एंड कैलाश मासूम, उन्होंने मुझे यहाँ पे अवार्ड दिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। ये जो पतंजलि अवार्ड है शांति के दूत के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में शांति शांति, तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये, और सब लोग अभी जो है रामदास अकाउंट का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी हूँ यहाँ। कैलाश मासूम जी के लिए क्या कहना चाहिए? कैलाश मासूम जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आवाज़ सुनते हैं, बहुत हम लोगों को बहुत खुश करा देते हैं। आने वाले 6 महीने में 3 महीने में साल में एक बार ऐसे आपका फ़ोन आता है कि भाई आपको अवार्ड दिया जा रहा है, तो खुश रहते हैं। आर्टिस्ट कोई भी हो, मैं से या कोई भी हो, जब से नवाजा जाता है तो किसी भी अवार्ड से, और मुझे बहुत खुशी है जैसे कि आज भी ऐसा कुछ होता है, कोई मंशन होता है, तो दोनों मासूम कैलाश किशोर ये मुझे जरूर करता हूँ, उनका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर जब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, आपने उनके कारण उनके बदले में मैं उदित को यही तो याद दिलाया, आपको सॉरी आप लोग याद हो रहा है, उतनी उम्र नहीं है कि मैं आज मेरा पहले 30 साल से ऊपर ये जब उदित नारायण एज ए सिंगर नहीं था, तो
तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंसान इस फिल्म नगरी में, इस माया नगरी में क्या सोच के आता है, क्या करने आता है और सफलता रफी साहब के बारे में भी, रफी साहब के बारे में भी मैंने सुना था कि रफी साहब की फिल्मों में एक्टिंग कर एक्टिंग और वो इतने बड़े सिंगर इतने नारायण वाले में आपको जिस गेस्ट हाउस में मैं होता था वहाँ पर हम रियाज करने मेरे को सहूलियत के साथ मेरे संगीत तो कुछ सीखने में ऐसे लेकिन वो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ एक जो फिल्म मैंने की मिथुन चक्रवर्ती उसके हीरो थे और फिल्म का नाम था शक्तिशाली। मैंने आज उनको याद दिलाया जो कि याद बट वही था कि वो देखो एक्टिंग एक्टिंग का संघर्ष करते थे वो और उसके बाद देखो सिंगर हो गया। प्रीमियर है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाना है पीवीआर थिएटर में। मैं लेट हो गया हूँ, 6 बजे का था लेकिन ये कैलाश जी भी मेरे मित्र हैं और अपने साहब आने वाले हैं। मैंने सोचा कि ये भी कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है अटेंड करना, ये करके अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप दुआ करो कि बैड न्यूज़ करण जौहर साहब की फिल्म है, फिल्म सुपर हिट हो जाए। गाने तो हिट हो गए, मेरे महबूब मेरे सनम, उसका भी चाहिए। और जो डायरेक्टर है मैं तो उसमें छोटी सी चीज़ में उसने ये किरदार निभाया है, तो बाकी सब लोगों के लिए जो है ये अवार्ड उनके लिए ज़्यादा है तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी है। और इतने अच्छे लोग मिले आज जिनको मैंने ज़िंदगी में देखा है। और गणेश जी आए थे, रजा महाराज सर आए थे, तो उनको देखा हुआ फिल्म में यही है कि जो लाइफ एक अच्छी दुनिया में लेके जा रही है खुश होकर। आपके कैरेक्टर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मुझे लगता है कि वो लोगों ने ऐसे कुछ जैसे जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया कहीं ना कहीं लोगों के आसपास का ही है वो इंसान, और या वो खोज रहे होते हैं ऐसा इंसान या वो जानते हैं ऐसा इंसान, तो शायद इसीलिए इतना प्यार मिल रहा है कि लोग जो है रिलेट कर पा रहे हैं। और प्यार कैरेक्टर के अलावा क्या कुछ हो रहा है लाइफ में कुछ बताना चाहेंगे? मज़ा आ रहा है काम कर रहे हैं भाई, पुलिस ढेर सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करें कि और अच्छा काम करें और चीज़ें मतलब ऐसा ऐसी प्यार उनको।